हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 4.3 के बारे में, जो कि क्लास 9th की NCERT का सोल्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। वैसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर दिया हुआ है वाई इक्वल टू 3x और क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर दिया हुआ है 3x, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इनको सब में सबको सारे क्वेश्चंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है और बताना है लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि 2 वेरिएबल के हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ पे, अगर हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हमें x और y दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्राफ दिख रहा होगा आपको और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट किया। जैसे हमने x की वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पे y की वैल्यू 4 निकल के आई है। जैसे x की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3 निकल के आई है। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है हमारी 0 और 4 है और b की वैल्यू 1 और 3 है। आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये दोनों क्या है जो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0, 4 और a और b की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे इस ग्राफ के अंदर, कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। और जो हमारे पास इक्वेशन आया है x प्लस वाई इक्वल टू 4, वो ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये वाली लाइन जो दिख रही है, वो ये वाली लाइन जो दिख रही है, वो हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली लाइन है ग्राफ के अंदर। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हमें वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के साथ ही हमें इसे ग्राफ पे बताना है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इस ग्राफ के अंदर ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन का ग्राफ है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर दिया है y इक्वल टू 3x, तो यहाँ भी हम 0 और 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो लाइन दिख रही है आपको y इक्वल टू 3x, ये हमारी थर्ड वाले क्वेश्चन की लाइन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर की, जिसमें कि 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई दिया हुआ है, पर यहाँ पे भी x और y की वैल्यू हमने पुट करी है और x और y की वैल्यू पुट करने के बाद जो g हमारे पॉइंट मिले हुए हैं, तो g वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है x 3 इक्वल टू 2x प्लस y वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, वो ये वाली लाइन है हमारी जो इसको बता रही है 3x प्लस 2y इक्वल टू। अब इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कहाँ पे पॉइंट है हमारे। ये देखिए, a का पॉइंट, b का, c का, h का, d का, e का, ये अलग अलग पॉइंट है और ये इक्वेशंस भी लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या दिया गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया गया है कि गिव द इक्वेशंस टू लाइन पासिंग थ्रू 2 एंड 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। देखिए, इक्वेशंस दो लाइनों के अगर पास कर रहे हैं 2 और 14 से, तो यहाँ पे क्या निकल के आ सकता है, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ सकती है वो आ सकती है हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 और दूसरा हो सकता है 8x माइनस वाई इक्वल टू 2। 8x माइनस वाई इक्वल टू 2 क्यों हो सकता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे 2 की 2 वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो 16 में से अगर मैं 14 को माइनस करूंगा तो 2 आएगा और यहाँ पे दोनों को अगर प्लस करूंगा तो 16 आएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती हैं जो कि 2 और 4 से क्या हो सकती हैं, पासेस थ्रू हो सकती हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर दिया गया, इफ अ पॉइंट 3 और 4 लाई ऑन द ग्राफ इक्वेशंस, यदि 3 और 4 इन इक्वेशंस पे लाई कर रहा है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, जब हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 जब हम इस इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशंस निकल के आएगी वो निकल के आएगा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, और यहाँ से हम लोग a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जो कि आने वाली है 5/3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूँ तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि अ टैक्सी फेयर अ सिटी इज एन फॉलो, अ टैक्सी का फेयर दिया हुआ है कि फर्स्ट जो किलोमीटर पे 8 रुपीज लग रहे हैं, उसके बाद जो डिस्टेंस, जो सब इक्वेंट डिस्टेंस है वहाँ पे 5 रुपीज पर किलोमीटर लग रहा है। टेकिंग अ डिस्टेंस कवर एक्स किलोमीटर, जो डिस्टेंस है उसको एक्स माना जा रहा है, जो टोटल फेयर है उसे वाई माना जा रहा है। तो इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में इस इंफॉर्मेशन को लिखना है, न सिर्फ लिखना है बल्कि इसे ग्राफ पे भी ड्रॉ करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि जो हमारा फेयर था उसे हमने वाई माना था, जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था उसे हमने एक्स माना था। तो एक्स और वाई हमने मान लिया। अब टोटल जो फेयर दिया हुआ था, जो फर्स्ट किलोमीटर में जो जा रहा था उसका फेयर अलग था और बाकी जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी उसका फेयर अलग था, यानी कि फर्स्ट जो जा रहा था वहाँ पे जो उसका फेयर वो अलग था और बाकी का फेयर 5 रुपीज़ था, इसका 8 रुपीज़ था। तो 8 प्लस जो हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसमें से माइनस 1 कर देंगे, एक्स माइनस 1,
जो कि रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो निकल के आने वाली है वाई इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, 2, 3, तो यहाँ पे हमें तीन पॉइंट्स मिलेंगे a, b और c, जो कि वैल्यू पुट करने के बेसिस पे हमें मिलने वाले हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 18। तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस निकल के आने वाले हैं। अब हम इसे ग्राफ के थ्रू कैसे बताएंगे, इसमें देखिए इसमें ग्राफ के थ्रू हम इस तरीके से बताने वाले हैं जो वैल्यू मिलने वाली है। तो हम ग्राफ में कुछ इस तरीके से इस इक्वेशंस को बताने वाले हैं। आप ग्राफ भी देख सकते हैं इस इक्वेशंस का, कि यहाँ पे हमने ग्राफ के थ्रू भी बताया, जिसमें कि ग्राफ भी बताना था हमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दो फिगर दी गई हैं हमारे पास, और हमें अपने बताना है कि फ्रॉम अ चॉइस गिवन बिलो, ये कि हमारे पास 4.6 और ये 4.7, ये दो फिगर्स दिए गए हैं, और इनके बेसिस पे हमें बताना है कि y इक्वल टू x या x प्लस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2x और 2 प्लस 3y इक्वल टू 7x, ये हमें बताना है इसके बेसिस पे। तो जैसे ही हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, वो सेटिस्फाई कर रही है -1, -1, +1, 0, 0 और ये 1, 1, इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमें जूम करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये इक्वेशन के अंदर, ये 0, 0, -1, +1 और यहाँ पे 1 और +1 और माइनस का 1, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे y इक्वल टू -x+2, ये करेक्ट इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई कर रही है इन सब चीज़ों को, -1, 3, 2, 0 और 2, 0। यहाँ पे देख सकते हैं इसके जो इसकी इमेजेस दी गई है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2, 0, 0, 2 और -1 और 3 इसको सेटिस्फाई करे। तो जहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है उनके ऑप्शंस को हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दिया गया है कि एक बॉडी के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, और जो वर्क डन किया जा रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है उसके थ्रू, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दिस टर्म्स इक्वेशंस टू वेरिएबल के फॉर्मेट में बताना है, और ग्राफ में भी हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, और कंस्टेंट जो फोर्स लग रहा है वो 5 यूनिट लग रहा है। अब हमें बताना है ऑल्सो रीड द ग्राफ, हमें ग्राफ को समझना है और पढ़ना है, और हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है अगर वो 2 यूनिट्स और 0 यूनिट है। तो देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो वर्क डन हुआ है उसे हम लोग मान लेंगे y, और जो डिस्टेंस है उसे हम लोग मान लेंगे x, और जो कंसिस्टेंट फोर्स जो दिया गया है क्वेश्चंस के अंदर वो 5 यूनिट दी गई है। अब क्वेश्चंस के अंदर ही दिया गया है कि वर्क डन बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, एक तो y है तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा x, क्योंकि x को हमने डिस्टेंस माना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी kx। अब हमारे पास k की जो वैल्यू दी हुई है वो 5 यूनिट दी हुई है। अब k की वैल्यू 5 यूनिट दी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 5x। जब y इक्वल टू 5x होगा तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5, जब 2 पुट करेंगे तो 10। तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स हमारे निकल के आएंगे 0, 0, 1, 5 और 2, 0, ए बी सी की वैल्यू निकल के आने वाली है। अब ए बी सी की वैल्यू निकलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है 2 यूनिट्स में, तो 2 यूनिट जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो 10 होगा, जब डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तो हमारा वर्क डन 0 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट है तो ये 10 यूनिट है, जब ये 0 है तो ये भी 0 है, जब 1 यूनिट है तो ये 5 है। अब हम इसे ग्राफ के फॉर्मेट में कैसे बताएंगे, तो आप देख सकते हैं इन्हें ग्राफ के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का ग्राफ भी बना सकते हैं y इक्वल टू 5x के बेसिस में। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर अगले की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया गया है दो लोग हैं, फातिमा और यामिनी, जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं। दोनों ने कंट्रीब्यूट किए 100 रुपीज, और 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द पीएम रिलीफ फंड। पीएम रिलीफ फंड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किए 100 रुपीज फॉर हेल्प फॉर अर्थक्वेक विक्टिम, जो भूकंप में जो विक्टिम्स थे उनके लिए। हमें लीनियर इक्वेशंस के ऊपर बनाना है और सेटिस्फाई कराना है डेटा, यू मेक देयर कंट्रीब्यूशन एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में बताना है। यहाँ पे दो लड़कियां हैं, यामिनी को हमने एक्स मान लिया उसके कंट्रीब्यूशन को, और फातिमा के कंट्रीब्यूशन को हमने वाई मान लिया। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू हमने 100 लिया, तो y की वैल्यू निकल के आई है 100 माइनस x। अब यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे, 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे 0, 10 और 20 पुट किया हुआ है, तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है। अब a, b, c को
हम अपने ग्राफ के फॉर्मेट में बताएंगे और इसे इक्वेशंस को भी बताएंगे। देखिए ए बी सी को हमने देखा तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 90, यहाँ पे 80, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 100। तो इसे हमने ग्राफ के फॉर्मेट में ही बताया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 के में क्या दिया गया और कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया कि कंट्री दी है अलग अलग, यूएसए, कनाडा, और उनका टेम्परेचर मेजर किया गया है फॉरेनहाइट में। लाइक फॉरेनहाइट वेयर इज अ कंट्री, इंडिया मेजर और सेल्सियस। जहाँ पे अगर इंडिया की बात की जाए तो उसका जो टेम्परेचर उसमें सेल्सियस में बताया गया है। तो हियर इज अ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट्स टू फॉरेनहाइट टू सेल्सियस। फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है एफ इक्वल टू 9/5 का मल्टीप्लाई करते हैं सेल्सियस में और 32 प्लस कर देते हैं तो वो फॉरेनहाइट में चेंज हो जाता है। तो हमें ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशंस यूजिंग सेल्सियस एक्स एक्सिस और फॉरेनहाइट को वाई एक्सिस में मान के हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके अलावा टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फॉरेनहाइट में बताना है, अगर फॉरेनहाइट 95 हो तो यहाँ पे सेल्सियस में बताना है। इसके अलावा यदि टेम्परेचर हमारा जीरो हो, यदि हमारा टेम्परेचर जीरो हो तो हमें टेम्परेचर को बताना है फॉरेनहाइट में, और यदि हमारा टेम्परेचर फॉरेनहाइट में जीरो हो तो हमें सेल्सियस के फॉर्मेट में बताना है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4th में पूछा गया है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th की। इज देयर टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम बोथ फॉरेनहाइट सेल्सियस में, क्या वो दोनों सेम हो सकते हैं, कि यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ जिसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करना था, तो ग्राफ को कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना होगा। जब हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास एक चीज निकल के आएगी, आप देख सकते हैं कि टेकिंग सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम एक्सिस को एक्स को हम लोग सेल्सियस मान लेंगे, एक्स एक्सिस पे हमारा सेल्सियस होने वाला है और वाई एक्सिस पे हमारा फॉरेनहाइट होने वाला है। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी वाई इक्वल टू 9/5 x + 32, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो यहाँ पे 32, 41 और 50 निकल के आएगी। तो इनकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे इस जो हमारे पास ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर। बट अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2nd की, जिसके अंदर दिया गया था कि अगर 32 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसे फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे, तो जहाँ भी सेल्सियस दिया हुआ था वहाँ पे हम लोग 30 पुट कर लेंगे और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 86 निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर की बात की जाए 30 डिग्री सेल्सियस तो वो फॉरेनहाइट में 86 फॉरेनहाइट होगा। वैसे ही फॉरेनहाइट की बात करी जा रही है, यहाँ पे फॉरेनहाइट की वैल्यू दी गई यानी कि एफ की वैल्यू दी गई है। तो जो फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है कि एफ इक्वल टू 9/5 × c + 32, तो यहाँ पे देखिए एफ की वैल्यू 95 पुट करी, तो अब इसको देखेंगे सॉल्व करके कि हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू कितनी आ रही है। अगर मैं बात करूँ सेल्सियस की, तो यहाँ पे जो सेल्सियस में वैल्यू निकल के आई है हमारे पास वो 35 निकल के आई है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4th के अंदर दिया गया कि यदि जो हमारा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फॉरेनहाइट में क्या होगा, तो ये कम्प्लीट 0 हो जाएगा, फॉरेनहाइट 32 हो जाएगा। यदि हमारा टेम्परेचर फॉरेनहाइट में 0 हो तो क्या हो जाएगा, उस टाइम पे जो हमारा टेम्परेचर होने वाला है वो माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस होने वाला, जब हमारा टेम्परेचर फॉरेनहाइट का जीरो होगा। तो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5th की, कि क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर दिया गया है कि एक्स लेट एक्स इक्वल टू जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे न्यूमेरिक की वैल्यू सेम हो रही है, तो यहाँ पे फॉरेनहाइट और जो हमारा टेम्परेचर है सेल्सियस दोनों को x मान लेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, तो -40 डिग्री की एक ऐसा एक वैल्यू है जहाँ पे दोनों सेम आने वाले हैं, जिसका टेम्परेचर फॉरेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी सेम आने वाला है। तो ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज थी माय डियर फ्रेंड्स, वो कंप्लीट एक्सरसाइज थी 4.3, जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी का सोल्यूशन था। और उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।